Hi friends, myself is Anand Shwastav, Director StepUp Institute. First of all, I want to congratulate all the students who cracked their IIT mains, IIT advance as well as NEET. But आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली इन एग्ज़ाम्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, नीट का हो, जिसको वो क्वालिफाई नहीं कर पाए. उन बच्चों से मुझे यही कहना है और सबसे यही कहना है कि ओनली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इज़ नॉट ओनली द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ. सिर्फ यही दो ऐसे करियर नहीं हैं जिसमें आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो. अगर आपका इसमें नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इससे बेटर होगा. सपोज़ करिए कि मान लीजिए आपकी इंजीनियरिंग में इस साल सिलेक्शन हो जाता और आपकी रैंक पीछे होती, आपको मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलता या कहीं NIT मिलता, मेरी आपकी डेस्टिनी में एक साल आपकी अच्छी प्रिपरेशन से IIT लिखा हुआ हो, आप IIT दिल्ली से करो, IIT मुंबई से करो. ऐसे उन बच्चों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मान लीजिए उनका इस बार कहीं पे लो रैंक्स पे कहीं सिलेक्शन हो जाता, किसी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन ना होता या BDS में हो जाता, लेकिन उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, तो मे बी एक साल की प्रिपरेशन से वो एम्स में, मौलाना आजाद में या इंडिया के और भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन होना लिखा होगा. सो समटाइम्स डेस्टिनी आपके साथ इस तरह से वर्क करती है कि हमें पता नहीं होता है, तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है. या ये भी हो सकता है कि आपके डेस्टिनी में इंजीनियरिंग या मेडिकल ना हो, हो सकता हो आप इसको छोड़ के आपकी डेस्टिनी में आपका IAS बनना, आपको लिखा हो, आपको IAS बनना होगा, या हो सकता हो आपको साइंटिस्ट बनना हो, आप BSc MSc करके आप साइंटिस्ट बन सकते हो. तो अभी कुछ भी ऐसा बिगड़ा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत है. ये बात आज मुझे ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि पिछले 10 दिन से, जब से ये रिज़ल्ट आए हुए हैं, तब से मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग बच्चों के कॉल से, उनके पेरेंट्स से, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उससे फ्लडेड रहता है और वो बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं कि अब वो क्या करें या क्या ना करें. तो इसकी वजह से मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको हो सकता हो कुछ फ़ायदा हो सके. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अब उन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहना चाहूँगा या उन टीचर्स से मैं कहना चाहूँगा जो इस समय उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ प्रिपरेशन करिए 1 ईयर की और आपके 100% स्कॉलरशिप या आपके 50,000 स्कॉलरशिप, इतने डिस्काउंट. मेरा मानना यह है कि उन बच्चों को इस समय उनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी तकलीफ को समझना है, उनके मन को समझना है, उनको ये यकीन दिलाना है कि तुम एक साल की तैयारी से तुम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो. स्कॉलरशिप या फीस में डिस्काउंट उनकी तकलीफ को कम नहीं करेगा. हम किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस, किसी भी बच्चे का मोरल इन सब चीज़ों से नहीं बढ़ा सकते. हमें उससे आगे बढ़ के उसका हाथ थामना है और उसे आगे लेके जाना है, उसको ये विश्वास दिलाना है कि बेटा यू कैन डू, यू कैन गेट बेटर रैंक. और इसके लिए हमें फीस से ज़्यादा उसके उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, एक साल में जो उसने गलतियाँ की उन गलतियों को समझना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि इन गलतियों को कैसे दूर करें. तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे टीचर्स से, इंस्टीट्यूट वालों से, इवन पेरेंट्स से कि आप उस बच्चे को समझें, उससे इमोशनली कनेक्ट हों. सिर्फ इस वजह से एक साल उसका ड्रॉप करके किसी ऐसे XYZ इंस्टीट्यूट में ना उसका एडमिशन करा दें जहां पे सिर्फ एडमिशन का क्राइटेरिया लो फीस हो. आप उस जगह पे, उस इंस्टीट्यूट में उस बच्चे का एडमिशन कराएं जहां पे टीचर्स या जहाँ का एटमॉस्फियर बच्चे से मेंटली कनेक्ट होता है, जहाँ बच्चा इमोशनली कनेक्ट होता है, जहाँ पे बच्चे से बच्चे की हर कमी को दूर करने की कोशिश की जाती है या बच्चे के हर पॉजिटिव पॉइंट पे उसको अप्रिशिएट किया जाता है. तो यही मैं सारे पेरेंट्स से, सारे बच्चों से और सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐसा वक्त है जिस वक्त में हमें फीस के साथ जो सबसे वाइटल चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को हमें
कॉन्फिडेंस देना है, बच्चे को यकीन दिलाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और थैंक यू कि आपने पेशेंस से मेरा वीडियो सुना। और अगर किसी बच्चे या किसी भी पेरेंट्स को मेरे इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।